भाई ये पापड़ी चाट लेके जा रहा हूँ फिलहाल में, मैं और दोस्त बैठ के खाएंगे। भीड़ लगा है भाई, तो बोलेंगे तो बेटा मार रहे प्रदीप भैया। गाइस आ जाओ, आप लोग को भी गाड़ी धोना है क्या? अच्छा कूलर चला नहीं भाई, छोटे वाले पंखे से गुजारा किया, हवा वगैरह तो देता नहीं, फिर भी जैसे तैसे करके निकल गया। गाड़ी वगैरह निकाल लेता हूँ। मम्मी फिलहाल में बोल रही है सब्जी लाने के लिए, और सब्जी के लिए फिर टमाटर पूछ लिया है कि नहीं, तो टमाटर मम्मी का कहना है क्या, टमाटर थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, और सब्जी में क्या क्या लेके आना है। माँ इधर क्या लाना है? सब्जी बरबट्टी और आम कच्चा आम, एक मस्त कुचा के। चलो राधे राधे बोलो माँ। हे गाइस जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर, मैं हूँ आपका भाई आज के सोनी। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगती है। चलिए निकलते हैं हम बस सीटों की तरफ, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे और आज ना मेरी शॉप नहीं खुलती है भाई, इसे बोलते हैं भाई रियल लाइफ। पहले मैंने भी बहुत दिन पेपर बांटे हैं भाई, बहुत साल पेपर बांटे हैं, और अमर इसे चकाचक ठीक। तो भाई लाइफ में स्ट्रगल ना भाई शुरू से रहा है, वो अलग बात है कि लोग बदनाम करने के पीछे हमें सिर्फ शुरू से ही पड़े थे। आज थोड़ा गाड़ी को भी धो लूंगा, आज धो लूंगा या कल देख लेता हूँ, ठेला भी धो लूंगा। आ गया हूँ चाचा के दुकान पे, लोग पूरी सब्जी बचा ही नहीं है, फिनिश हो गया है, तो अपन निकलते हैं, काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं फिर निकलते हैं। गया तो चाचा बोलते हैं बेटा पूरी सब्जी का कोई टाइमिंग कोई भरोसा नहीं रहता, कब किसका पार्सल हो जाए, सामान फिनिश हो जाए। विक्की भैया का पास आया तो विक्की भैया अभी दुकान लगाए हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं, आधा घंटा के समथिंग लग जाएगा इनको। तो जब तक क्या करते हैं अपन कुछ फल फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं नाश्ता में। भाई की दुकान के सामने से मैं गुजर ही रहा था, तो भाई ना सर्फ एक्सेल से धो रहा है कि निरमा से, शैम्पू से धो रहा है भाई, बोला कि तू भी गाड़ी खड़ा कर तेरा भी धुल जाएगा, मतलब वो नहीं धोएगा मैं धोऊंगा। लेकिन भाई अभी पाइप चालू हो गया थोड़ा प्रेशर, तो मैं भी पानी मार दे रहा हूँ, धुल जाएगा अपना, मैं भी शैम्पू खींच दूंगा, मस्त चमकने लगेगा मेरा गाड़ी इसको, इससे इससे लेकिन पैसा ले लेंगे, फ्री में नहीं धोएंगे भैया। गाड़ी धुलवाना है क्या? गाड़ी धुलवाना है, गाड़ी धुलवाना है क्या? पाँच सौ बहुत डर लगे ना, दूसरे का पानी है, पानी पानी है। तो आप लोग को भी गाड़ी धोना है क्या? तो कुछ चालू होते हैं ना भाई, 2 मिनट बाद अरे तो घरे घरे में ना तो बात हो रहा है, एक नंबर है। आठ हजार किलोमीटर चला हुआ था, 50,000 रुपये मिला, यूट्यूब का पेमेंट आया था, तो गाड़ी को ले लिया। निकला था मैं पूरी सब्जी खाने के लिए दिल्ली होटल में, दिल्ली होटल है ये नहीं पूरी सब्जी, तो भाई निकलते हैं भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
जूता यहाँ धुल के सूखा हुआ है, पहना है मैंने, गाड़ी छाया पे खड़ा कर दिया है और समोसा नाश्ता वगैरह भी मिल गया है, खीर लिया हूँ, सब्जी में कुछ नहीं लिया गया माँ। और अभी 11:30 बज रहा है, मम्मी तो मना ही कर दी थी लेकिन मैं बोला कि नहीं यार नाश्ता ले आया हूँ, नाश्ता ले तो नाश्ता ही ले दो। बताओ 10:30 बजे का निकला हूँ, 11:30 निकला हूँ मैं, 11:30 बजे घर आया हूँ। टटे टटे सब्जी कुछ बनाई कि नहीं बनाई अभी तक? इसलिए मैं क्या खोजेंगे पता है, मैं खोजेंगे था लकड़ा, लकड़ा बहुत मंग जाता हूँ, लकड़ा का पत्ता खाना मेरे को चटनी खाने का बहुत मन था, मिले ही नहीं यार, शाम को देखता हूँ अगर मिले तो। और एक समोसा पन्नी से निकल गया था तो हाथ में, तो हाथ ही में खाते हैं भाई अपन, मैं बड़ा खाऊंगा तो समोसा खा ले, मैं बड़ा खाऊंगा दो बड़ा। लगभग 6 के आसपास हो रहा है और मैं ना भाई सो रहा था, दिन में तो ऐसे नींद नहीं आता है लेकिन कभी कभी ना गर्मियों का दिन है ना भाई, वो सही हेल्थ उठ नहीं रहता है ना, तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ ठीक है। बहुत दिन के बाद मेरे को नींद आया, मैं सो रहा था भाई, लगभग वही 3-3:30 बजे के आसपास सोया था और अभी उठाऊँ 6 बज रहे, आप बेस्ट रहा भाई, के रहा तगड़ा मोमेंट, क्या ही मस्त व्यू है, यहाँ तो बल्ब जल रहा है लेकिन इधर का व्यू देखो आप लोग। और गाड़ी को धोने के बाद मस्त चमक रहा है यार, चलिए देखते हैं पानी भरा हुआ है कि नहीं ड्रम में, पानी भरा हुआ होगा तो नहा लूंगा, और पानी नहीं भी भरा हुआ होगा ना तो भर लेंगे पानी। पानी आना चालू हो गया है, चलो भाई नहाने के लिए पर्याप्त पानी है इसमें और ड्रम में भी पानी भरा हुआ है, चलो नहा लेते हैं फिर चलेंगे मार्केट की तरफ, थोड़ा रेस्ट के नाम पे आज रेस्ट ही किया है मैंने। कैसे 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 यारी गाय मारती है भाई, कैसे इसका एक बेबी छोटा था बहुत ही प्यारा था यार, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है भाई, मस्त पंछियों की आवाज शाम के टाइम सुबह के टाइम मस्त पंछियों की आवाज आते हैं भाई, तो माँ पूजा पाठ करके यहाँ बैठी हुई है, कैसे माँ कुछ खाना है चाट उट? हाँ, खाना, खाना में देख लेना तेरे को जो समझ में आए ना माँ वो बना देना, खाना घर ही में खाऊंगा मैं तो, कल संडे कर लूंगा आराम से। तो वैसे चलिए मार्केट तो थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं, आज का ब्लॉग भी कंप्लीट कर देता हूँ भाई, गर्मी के चक्कर में भाई देखो आप लोग जो भी हो ना आप लोगों को ये पता होगा आसपास के एरिया क्योंकि गर्मी अभी कितना ज़्यादा है, इसके चक्कर में दिन भर घर पर ही रहा मैं। ठीक है भाई चलो चलते हैं मार्केट करते, थोड़ा घूम फिर के हम लोग आ जाते हैं, और मैं जा रहा हूँ भाई चौपाटी की तरफ, थोड़ा घूम लेता हूँ 5-10 मिनट दोस्तों से मिल लेता हूँ। मोबाइल का ना वीडियो क्वालिटी ना भाई बहुत ज़्यादा ना गिर चुका है मेरा यार, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं दही बड़ा ले लिया हूँ भाई, 1 घंटा लगना पड़ा वहाँ प्रदीप भैया के दुकान पर, तब जाके मिला है 2 ठिला है, 1 ठोपने लिए 1 ठोपोन भैया के लिए, चलो खाते हैं बैठ के आराम से, इधर भी काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, भीड़ लगा है भाई, तो बोलेंगे तो बेटा मारे प्रदीप भैया, तब का सब भीड़ लगा है। अरे भाई पिछले 1 घंटे से खड़े हैं, 1 घंटे से लाइन है, मत रो भाई मत रो यार, रुमाल दो क्या, रुमाल ले लाया भाई, मिलेगा भाई मिलेगा, तू टेंशन मत ले, नसीब से मिलता है समोसा। हाँ भाई काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, मतलब बहुत जाके था, मैं तो दही बड़ा था, दही बड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा था, पेट को थोड़ा ठंडा कर लिया जाए। क्या ब्रो कुछ कहना चाह रहा है क्या है? कुछ कहना चाह रहा है क्या? मैं देख रहा हूँ वीडियो। और आज का ना भाई आज का ब्लॉग ना बहुत छोटा है भाई, उसके लिए ना सॉरी रहेगा, मेरे को एक जगह जाना भी था पार्टी में, उसने कॉल किया था लेकिन मैं मोबाइल बंद करके सो रहा था, ठीक है भाई भाई ये पापड़ी चाट लेके जा रहा हूँ मैं, फिलहाल में मैं और दोस्त बैठ के खाएंगे,
क्या मस्त जोरदार दिख रहा है यार, खाने में भी क्या ही मजा आ जाएगा भाई, तगड़ा। कैसे रुपए प्लेट है? 20 पापड़ी चाट 20 और भेल 30 अच्छा। पापड़ी आया था, पापड़ी खाया, मस्त लगा। कैसा लगा तेरे को पापड़ी? अच्छा लगा ना? छोटा मछली बहुत सारा डाला है ब्रो। कैठो मछली डाला है ना? कैठो नया मछली डाला 9 पीस। मैं और आकाश, आकाश की दुकान के बाहर में टेबल लगा के मस्त बैठे हुए हैं। लाइट बोल हो गया था जस्ट अभी, तुरंत लाइट आया है और ऐसी जगह में बैठे हम लोग, यहाँ बैठे। ये देखो आप लोग चौपाटी, सब लोग हम ही लोगों को देख रहे हैं कि आकाश और मैं यहाँ बैठे क्यों बैठे कैसे हैं वो भी दिखा दे। टेबल लगा के एकदम मस्त बैठे पालथी मोड़ मोड़ के भाई। क्या है ना भाई, गर्मी इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुकान के अंदर बैठने में। हाँ, कूलर चालू है चाहे नहीं है, थोड़ा सा बाहर का भी लेना भी जरूरी है। देखो भाई अब इसके लिए भी कुछ गलत मत समझ लेना आप लोग, ठीक है? ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। हाँ, 70 रुपए किलो भाई आम लिया है, ये 700 ग्राम के आसपास, 50 रुपए का दिया भाई। और ये एक चाट लिया मम्मी के लिए, तो मम्मी खाना लेके बैठी रही थी इधर।